अनंत एग्जाम आ रहे हैं, कोई हैक है? हाँ बताती हूँ। हाय राधिका दीदी। वो मेरे बेटे के एग्जाम है ना, इसलिए नहीं आ पा रही, कोई हैक है? हाँ बताती हूँ। रोलिंग। और आप लोग मुझसे कहते हैं कोई हैक है? मम्मा आपको किस बात के हैक चाहिए? एग्जाम्स तो मेरे चल रहे हैं। अनंत्या मेरा भी चैनल है, मेरा शूट चल रहा है। ओ सॉरी। और बस एग्जाम्स की एक्सपेक्टेशंस तो कुछ और होती है और रियलिटी बहुत ही डिफरेंट होती है, तो इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ आज एग्जाम हैक्स वीडियो। मुझे पता है आप लोग मेरे सच्चे दोस्त हो, तो अपनी सच्ची दोस्ती दिखाने के लिए जल्दी से वो रेड बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दो। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, जाओ क्लिक करो। और अगर आपको ये एग्जाम हैक्स ना बहुत हेल्पफुल लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। और अब हम वेट क्या कर रहे हैं, चलो मैं आपको हैक्स बताती हूँ। और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डायमेंशन 3 सेंटीमीटर अंकल, तुमने पेड़ों में पानी डालने को बोला था, तुमने ना पानी डाला ना कुछ किया, और वहां पे कपड़े भी सारे इक्वल। अरे दिशा मेरी तो लाल वाली फाइल का है यार, ये फाइल में मैंने कहीं मिल ही नहीं रही है वो। तुमने ही तो वहां कल रखी थी अपनी अंकल, तुमसे कहा था ना फाइल यहीं तो रखी हुई है। अरे आप लोग कितनी बातें करते हो, थोड़ा चुप रहो ना, मुझे पढ़ना है। अनंत्या इसीलिए कहती हूँ सुबह 5 बजे उठ के पढ़ा कर। हाँ जैसे रोज सुबह तो उठती हो 5 बजे। आप लोग लड़ना बंद करो, मैं तो कहीं और ही जा रही हूँ पढ़ने। अरे कुछ और बोल दो ना। बाय। गली गली में शोर है। अरे यहाँ पे भी नहीं पढ़ने दे रहे। 2 की पावर। अरे कोई मुझे शादी से पढ़ने देगा? पढ़ने देगा? पढ़ने देगा? पढ़ने देगा? पढ़ने देगा? पढ़ने देगा? रियलिटी डिस्टरबेंस की, तो अब करें क्या? तो चूज योर बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। हाँ मम्मा, जैसे कि मैं रात को पढ़ती हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना होए, कोई घंटी ना बजाए, अननेसेसरी साउंड्स ना आए। ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ रात को पढ़ती हूँ, सुबह भी बिट्स एंड बाइट्स में पढ़ लेती हूँ, लेकिन सबसे अच्छे से और कॉन्सेंट्रेट करके मैं रात को पढ़ती हूँ। तो बच्चों इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आप भी अपना बेस्ट टाइम चूज करें, मॉर्निंग हो या नाइट। पढ़ पढ़ के थक गई हूँ, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैथ पढ़ मैथ, तेरे एलसीएम एचसीएल फॉर्मूला से तो पागल हो जाए। तू साइंस पढ़ साइंस अनंतिया, ए अल्फा बीटा थीटा, तेरी साइंस ने हम सबको पीटा। तू संस्कृत पढ़ संस्कृत, चल हट लकार, तेरे नाम सुनते ही आ जाती है डकार, किनो किना पड़ जाता है। एसएसटी पढ़ एसएसटी, इतना सोशल पढ़ लिया कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल गया है हैशटैग बस करो। हिंदी पढ़ हिंदी, हिंदी सिर्फ चिंदी पढ़ते हैं समझी अंधी। कंप्यूटर पढ़, तेरे को मैथ पढ़ेगी एग्जाम में प्ले टाइम होने से बच्चों का फोकस भी बढ़ जाता है और माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है।
बट खेलने की टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो अनन्या का ये हैक भी आप बच्चे लोग जरूर ट्राई करना। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, मैसेज राइटिंग में मैसेज की हेडिंग, अरे इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रही हूँ, हिंदी पढ़ रही हूँ। ईश्वर इज इक्वल टू 2 की पावर 5, अरे मैथ्स कहाँ से आ गया, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बताते इसका हल ओ मेरे भाई। हम बच्चों की रियलिटी यही है, हम लोग फैला के पढ़ते हैं और सारे सब्जेक्ट्स को देखकर हमारा ध्यान भटकता है। ठीक लग रहा है ना, जिस जगह पे आप लोग पढ़ रहे हो और आपका पढ़ाई का सामान रखा है उस एरिया को हमेशा क्लीन रखो, क्योंकि उस सारे एरिया से ही हमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर वो क्लीन होगा और हमारा मेस नहीं बनेगा तो हम भटकेंगे नहीं यहाँ वहाँ, और जहाँ सफाई रहती है वही सरस्वती जी रहती है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए। बालको बालके वेरी गुड, अब बताओ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक का अर्थ बताओ। कर्मण्ये मतलब कर्मा, वाधिका मतलब राधिका दीदी। ये बहुत सिंपल श्लोक है, इसका हिंदी का अर्थ है अपने कर्मों के कारण शायद राधिका दीदी रास्ते पर फल बेच रही हैं। तुम पक्का संस्कृत में फेल होगी, कल मैं फिर से पूछूंगा, पढ़ के आना। अब मुझे संस्कृत कौन पढ़ाएगा? मम्मी संस्कृत पढ़ा दो। संस्कृत? हाँ नो, बस यार भूल गई थी, बस आई रही हूँ निकल रही हूँ बस यार, थोड़ा लेट। अरे ये फोन कैसे बज रहा है? फोन आ रहा है। हाँ नो मम्मी, रिंग तो बज रही है, किससे बात कर रही हो? आजकल फोन खराब हो गए ना। हेलो, हाँ बस आई। आप पापा बचे हैं लेकिन वो ऐसे नहीं मानेंगे, उनको जाल में फंसाना पड़ेगा। पापा मैंने सुना है आप अपने स्कूल में बहुत अच्छे थे। बेटा तेरा पापा नंगे पांव जाता था स्कूल 10 किलोमीटर और नदी पार करके ऊपर बस्ता लेके, और उसके बाद मास्टर जी बोलते थे वाह अंकुर आनंद जैसा तो कोई बच्चा है ही नहीं है स्कूल के अंदर। अच्छा तो फिर आप संस्कृत में भी बहुत अच्छे हो गए। पढ़ती पढ़ता पटंती हमको संस्कृत बहुत कम मनती। अच्छा पापा फिर आज तो आप संस्कृत आप ही पढ़ाओगे। संस्कृत? बेटा मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, मैथ्स में शकुंतला देवी बना दूंगा आपको, पर संस्कृत संस्कृत आपके टीचर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ना ठीक है। झूमी को तो देखे जाओ। पहले मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ, संस्कृत मेरा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है और इसका कोई भी हैक नहीं है, लेकिन एक सोल्यूशन जरूर है। चाहे वो संस्कृत हो या कोई और लैंग्वेज हो, आपको इजी यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं उसके समझाने के, उसके फॉर्मूलाज और सब बताने के, तो आप वो सर्च कर सकते हो और आप अपना अमेजिंगली अच्छे से पढ़ सकते हो इन वीडियो से। अंकुर पार्टी तो बड़ी हैपनिंग थी ना, मजा आ गया। वाओ। मम्मी पापा मुझे इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? अंकुर मैं थक के आई हूँ, तुम पढ़ा दो आज। हमने डिसाइड किया था ना कि इंग्लिश तुम पढ़ाओगी और मैथ्स मैं, सब मैं ही करूँ, एक दिन तुम नहीं पढ़ा सकती हो? हाँ सोशल लाइफ तो मेरी रह ही नहीं गई है ना, आओ चलो मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें, चल मैं पढ़ाती हूँ। एडजेक्टिव लर्न किए? आपने एक तो कहा था कि आप अपने साथ कराओगी। अनन्या सेल्फ स्टडीज नाम की भी कोई चीज होती है बेटा, आपने नहीं पढ़ा तो जरा वर्ड मीनिंग ही बता लो यहाँ पे, जरा मुझे बताना। मेड पीस में पावर, पावर का बताओ। स्ट्रेंथ? पक्का स्ट्रेंथ है? नहीं नहीं पावर क्या कुछ भी तो आपने लर्न नहीं किया अभी तक, कब करोगी? हंसी आ रही है, मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे कुछ। डोंट वरी, जब मम्मी पापा गुस्से में होते हैं तो आप पता है सही आंसर्स भी गलत कह देते हो बड़े डर में। अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, पर मेरी रियलिटी में इसका भी हैक है। आओ इंग्लिश पढ़ते हैं अनन्या। तो आपने वर्ड मीनिंग्स तो कर लिए थे, ग्राइंड? हाँ, लेकिन मम्मा मैं इनको सोशल लाइफ वाला हैक तो बता दूँ? हाँ,
इसके लिए एज ए पेरेंट्स और खासकर अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो तो अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर लें। जैसे कि पापा मुझे सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले मैथ्स पढ़ा देते हैं, साइंस पढ़ा देते हैं या हिंदी पढ़ा देते हैं, और मम्मा अपने ऑफिस के आने के बाद मुझे पढ़ा देती है सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत एक्सेट्रा। मम्मी पापा दोनों ऑफिस जाने से पहले मुझे होमवर्क दे देते हैं, तो पापा से पढ़ लिया, मम्मी से पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी कर ली, तो मेरा तो बिल्कुल बैलेंस रहता है। यानी कि जब मम्मा पढ़ा रही होती है तो पापा अपनी सोशल लाइफ एंजॉय करते हैं, और जब पापा पढ़ा रहे होते हैं तो मम्मा करती हैं, और एग्जाम के बाद हम एज अ फैमिली एंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसे अपनी पढ़ाई को कट ऑफ नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ा रिविजन पढ़ते रहते हैं, लेकिन कम, मतलब एग्जाम से कम। मम्मा एग्जाम के टाइम पे लॉन्ग आंसर्स, माई याद ही नहीं होते। बेटी जिस तरीके से आप बच्चे की अपनी लंबी जवान से पक पक करते हो, उसी तरीके से लर्न भी कर लिया करो। मुझे तो बिल्कुल लर्न नहीं होते लॉन्ग आंसर्स, लेकिन मैं आप लोगों को एक हैक बताती हूँ जिससे मुझे मिनटों में हो जाते हैं लॉन्ग आंसर्स लर्न। पहले तो मैं पूरा थरली चैप्टर को रीड कर लेती हूँ 5-6 बारी ताकि मुझे सब क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद वर्ड और स्मॉल स्मॉल आंसर्स लर्न कर लेती हूँ, फिर से एक बार चैप्टर रीड करके मैंने नोट्स लिख लिए, और फिर मैं पक्का से ना चैप्टर रीड करके अच्छे से नोट्स बना लेती हूँ, और फिर लास्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना मैं उसको पॉइंटर्स में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि वो इजीली लर्न हो जाए, तो फिर मेरे सारे क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल एकदम थरली लर्न हो जाते हैं। आप लोग भी ये ट्राई करो, हैक, आई एम श्योर आपके लिए भी काम करेगा। चलो तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? आप लोगों ने वीडियो सजेस्ट किया और मैं ले आई, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस एग्जाम में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।